नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एंड व्हील में। और जो वो आपको पेड़ दिख रहा है वो वाला, वो बोधि वृक्ष है और वो है टेंपल। और ये है सारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स जो सांची में हैं। ये स्तूपा हैं, वो एक स्तूपा वो है, एक स्तूपा ये मॉन्क है, वो स्तूपा है। और वो सिंबल्स वगैरह काफ़ी बने हुए हैं। तो ये अभी नज़ारा है यहाँ का और हम लोग सीधे सांची स्तूपा की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जगह क्यों फेमस है। ये बौद्ध धर्म के लिए फेमस है, जो बौद्ध हमारे गौतम बुद्ध थे उनके लिए। और आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा, दो धर्म वो लोग अपनाते थे, एक हीनयान एक महायान। हीनयान जो धर्म था उसमें बोला गया है कि मूर्ति पूजा वो लोग नहीं करते थे, और जो महायान था, महायान में वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, जैसे कि चाइना तिब्बत वगैरह में वो मूर्ति पूजा करते हैं। पर यहाँ पर सिंबल्स की पूजा करते हैं लोग, सिंबल्स की वर्शिप करते हैं। तो सारी चीज़ें आपको सिंबल्स में मिलेंगी और उन सिंबल्स में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता जाऊँगा कि कौन सी चीज़ क्या है। अब ये देखिए, ये एक स्तूपा ये है और एक ये है, तो मेन वो वाला स्तूपा है और उसी तरफ चल रहे हैं और मिलता हूँ आपसे स्तूपा के पास। ये देखो भाई, ये वाला है और इतनी सारी आप यहाँ से देखोगे तो एक ये है और यहाँ से जो है कुछ व्यू इस तरीके का आता है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, काफ़ी हाइट पर है। और ये वाला एक स्तूपा ये है, ये थर्ड सेंचुरी बीसी का है। ये अशोक के द्वारा, हाँ, जो यानी थर्ड सेंचुरी बीसी में एक यहाँ पे छोटा सा स्तूपा सम्राट अशोक ने बनाया था। हाँ, इस तरह का, जैसे ये जो दिख रहा है इस तरह का था। अच्छा, और फिर उसको जो है वो मड और ब्रिक का था। और फिर उसके बाद जो है सेकंड सेंचुरी बीसी में सुंगा डायनेस्टी, उसने छोटे से स्तूपा को बड़े स्तूपा में चेंज कर दिया है और ये बाउंड्री वॉल लगाई, जो रेलिंग दिखाई दे रही है। अच्छा, और फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर सातवाहन डायनेस्टी आंध्र की, जिसने ये चार गेट बनाए। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ आ जाए। तो हमने अभी एक गाइड किए हुए हैं, सर आप अपना नाम बता दीजिए। प्रमोद मिश्रा, ये सर प्रमोद मिश्रा हैं, यहाँ पर गाइड हैं और ये आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे कि कौन सी चीज़, जैसे ये आपको सिंबल्स दिए गए तो सिंबल्स हैं क्या, आखिर ये कलाकृति है क्या बोल रही है, तो ये चीज़ समझने वाली है। तो यहाँ जैसे जो देखेंगे, ये नेकलेस वाली जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, हाँ, ये बुद्ध का एक हाथ है। अच्छा, ये नेकलेस वाली लाइन, ये नेकलेस वाली लाइन, ये बुद्ध का दूसरा हाथ है। ये वाला दूसरा हाथ है, ये वाला, ये एक हाथ है, ठीक है, ये दूसरा हाथ। अच्छा, ये फ्लावर्स वाली लाइन, ये बुद्ध की पीछे की पीठ है। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें सिंबल्स में दी हुई हैं, मतलब दर्शाने के लिए। और ये बुद्ध के पैर हैं। अच्छा, ये ये जो दिखा है आपने, अच्छा, चक्र उनके बर्थ, तो ये पैर हैं, ये दूसरा हाथ है, ये पहला हाथ है, और ये बीच की मतलब रीढ़ की हड्डी है, ये पीछे की पीठ। अच्छा अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ लोटस फ्लावर है, ऊपर अम्ब्रेला दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना, ये पूरा मिला के ये बुद्ध का सर है। अच्छा, तो बुद्ध यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो समझ में आ रहा थोड़ा सा चेहरे से, लोटस फ्लावर व्हील, हाँ, और ऊपर अम्ब्रेला जो दिखाई दे रहा है ना, हाँ, वो पूरा मिला के बुद्ध का सर है। तो कोई जापानी, कोरियन, चाइनीज, ताइवानी आएगा तो वो समझ जाते हैं सर, वो यहीं लेट जाएगा सर, वो उसी धर्म को मानता है ना। अच्छा अच्छा, जैसे मान लिया कुरान, हाँ, हाँ, अरब की हो, हाँ, या इंडिया की हो, हाँ, समझ गए ना, तो वो तो एक ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ऐसे ही त्रिपिटक है, मतलब जो चाइना से जापान से जो आते हैं, हाँ, वो काफी मानते हैं, समझ जाते हैं, वो जैसे क्या है तो वो यहीं लेट जाएगा फिर। हाँ, तो ये जैसे क्योंकि उनके सिंबल हम तो समझ नहीं पाते, हाँ, वो भी तो अच्छा उन्हीं की ही उसमें भाषा में सभी जो यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो आपने देखा फुली एकदम जो है चिन्ह में है, जैसे आप आते और वैसे ही निकल जाते हैं। हाँ, हाँ, नहीं समझ में आता है, बिल्कुल नहीं, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। यहाँ से आ जाएं सर, अभी अपन इस गेट पे बाद में आएंगे, हाँ, पहले अपन मेन गेट पे चलते हैं। मेन गेट, अब हम लोग चल रहे हैं मेन गेट की तरफ। मेन गेट में भी कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जिसमें 200 के नोट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक गॉड को लिया है। अच्छा, यही से 200 का नोट रिसेंटली चल रहा है। अच्छा, तो मेन गेट को उन्होंने, और 20 रुपीज के नोट में भी मैंने सुना है कि सांची का स्तूप जो है उसमें भी 200 के नोट पर है, 20 वाले पे नहीं है। अच्छा, 200, तो भाई 200 रुपए का जो नोट है ना उसमें भी सांची स्तूपा जो है वो दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यूनेस्को की लिस्टेड है इस वजह से, और काफ़ी बड़ा
तीर्थ स्थान है बौद्ध धर्म के लिए, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए। हाँ, ये रास्ता नीचे चला जाता है। अच्छा। वो नीचे एक लेक आ जाता है। ठीक है। बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे। हाँ है? तो लेक पे क्या है, बौद्ध भिक्षु यहाँ से नीचे जाते थे 3:30-4 o'clock पे। अच्छा। वास वगैरह किया। ठीक है। फ्रेश हुए। अभी बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ पर? नीचे हैं। अच्छा, वो नीचे ही है। हाँ, निवास उनका पूरा मोनास्ट्री में। हाँ। तो दरअसल क्या है कि वहाँ जो है लेक पे नहाने वगैरह के बाद फिर लोग वो लोग इधर से आने के बाद तो यहाँ से जैसे यहाँ से ऐसे लिए जो थे कि यहाँ से आने के बाद यहाँ कपड़े वगैरह चेंज किए मोनास्ट्री में, उसके बाद यहाँ आने के बाद ये सीधे यहाँ से गेट के अंदर घुसे। अच्छा। वहाँ सीढ़ियाँ, जैसे उसके अंदर सीढ़ी दिखाई दे रही है। हाँ। ऐसे इसमें भी सीढ़ी है। इससे एक राउंड जो पहला राउंड लगाएगा, ठीक है, उसको कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, जो व्यक्ति क्या है? बुद्ध की शरण में जा रहे हैं, मतलब। हाँ, जैसे बुद्ध ये कह रहे हैं कि मेरे पास नहीं आओ। हाँ। बल्कि जहाँ पे एजुकेशन है, जब उन्हें बुद्धि आई तो लोग कहने लगे ये एजुकेटेड हो गया। हाँ, समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बुद्ध ये कह रहे हैं मेरे पास नहीं आना है। हाँ। जहाँ एजुकेशन और नॉलेज मिल रहा है वहाँ वहाँ जाना। हाँ, बुद्ध, तो बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब ये, तो जो हमारे बुद्ध भिक्षु है वो वहाँ से आते हैं नीचे से। हाँ, और पहला ये वाला दरवाजे से अंदर जाएंगे। हाँ, तो जैसे वहाँ से जाने के बाद सीढ़ियों से जो पहला राउंड लगाएगा उसको कहेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि। हम लोग कहाँ की तरफ चल रहे हैं? यहाँ से। तो एक चीज और बताऊँ, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इस वाले डोर से जो है वो ओपन जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं और देखिए ये सीढ़ी दिखाई दे रही है। हाँ। ये स्टेयर दिख रही है। ठीक है। तो स्टेयर से जो है जाके एक राउंड लगाएंगे। ठीक और है। फिर जैसे क्या है, जो नीचे से जाके आप ऐसे सामने खड़े हुई है। हाँ। तब समझ में आएगा। हाँ। सर, तो नीचे से जो राउंड लगाएगा। हाँ। नीचे नीचे ना। उसको कहेंगे धर्मम शरणम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि, दो चीज कहा जाता है। ठीक है। धर्म का मतलब है कि एक स्पेशल काइंड का नॉलेज। हाँ। या जो है दर्शन या जो है फिलोसफी, मैं उसको अपनाने जा रहा हूँ। ठीक है। मतलब जो दूसरा चक्कर जो लगाएंगे, तो दूसरा नीचे से लगाएंगे। ठीक है। और जो तीसरा चक्कर लगाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब है सोसाइटी से। ठीक है। तो ये नहीं, बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि जाके मॉन्क बन जाओ। बुद्ध ये कह रहे हैं जो, जैसे क्या है कि अगर जो व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग्स लेता है उसके साथ नहीं रहना है। अच्छा। नहीं तो फिजिकली उस सोसाइटी में नहीं रहना है। जैसे आप कहते हैं ना, नाली के पास रहोगे छींटे आएंगे। तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे क्या है कि ड्रग्स या अल्कोहल लोगे तो फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली काम तीन तरीके से आप बर्बाद ही हो जाएंगे, डिक्लाइन में आ जाएंगे। बिल्कुल। तीन भागों में डिवाइड है। कितने भागों? तीन भागों में। पहला जो है बुद्ध, नीचे वाला धर्म, ठीक है, और तीसरा वाला संघ। संघ। ठीक है सर। ठीक है। क्लियर हुआ। ओके। दूसरा